बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारी बिजनेस स्टैटिक्स की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या डिफरेंस होता है, आज हम लोग ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? डील्स विद कलेक्टिंग सिंप्लीफाइंग डेटा एंड समराइजिंग। देखिए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का काम होता है जितने भी डेटा हैं उनको कलेक्ट करना, सिंप्लीफाई करना और समराइज करना, ठीक है। इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का काम होता है रिलेटिंग द सैम्पल कैरेक्टरिस्टिक्स टू पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। जो भी सैम्पल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या करना, रिलेट करना। ये इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का काम होता है। डिस्क्रिप्टिव का नेक्स्ट वर्क होता है हाईलाइटिंग द हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट इन द सेट ऑफ मास न्यूमेरिकल डेटा विच आर हेल्पफुल इन ड्रॉइंग कंक्लूजन। देखिए, जो भी डेटा न्यूमेरिकल डेटा में जितनी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जो कि हिडन होती हैं, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का काम होता है कि उनको हाईलाइट करना, ताकि हम लोग जब कंक्लूजन ड्रॉ करें तो उसमें हमारी वो मदद करें। और इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का काम होता है यूज फॉर ड्रॉइंग इन्फेरेंशियल अबाउट टोटेलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज अबाउट अ पार्ट ऑफ द टोटेलिटी। देखिए, इसमें क्या करना, एक कंक्लूजन ड्रॉ करना किसके बारे में, जो पूरा ऑब्जर्वेशन किया गया है उसके टोटेलिटी के बारे में। किस बेसिस पे ये करते हैं, जो पूरा टोटेलिटी का पार्ट होता है उसके बेसिस पे, उसके नॉलेज के बेसिस पे क्या करते हैं, ये कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, एक ऑब्जर्वेशन निकालते हैं। फैसिलेट्स द रिपोर्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव का काम क्या होता है, रिपोर्ट तैयार करना और उसको समझना। इसका काम होता है इन्फेरेंशियल का हेल्प इन ड्रॉइंग अबाउट द पॉपुलेशन बेस्ड अपॉन द सैम्पल रिजल्ट, ठीक है। इसका इन्फेरेंशियल का काम क्या होता है, क्या बनाना, अबाउट द पॉपुलेशन बेस्ड अपॉन द सैम्पल रिजल्ट, ठीक। पॉपुलेशन का जो पॉपुलेशन है हमारी, उसके बेसिस पे सैम्पल रिजल्ट तैयार करना। प्रूफ्स टू बी कॉस्टली, लेकिन देखिए, जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है वो थोड़ा कॉस्टली होता है एज़ कंपेरिजन टू इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। और इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, लेस कॉस्टली इन्फर्स बेस्ड ऑन सैम्पल। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा कम कॉस्टली होता है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें किस पे बेस्ड होती हैं, सैम्पल पे बेस्ड होती हैं। सेंट्रल मेजर्स ऑफ टेंडेंसी डिस्पर्जन स्क्यूनेस क्यूटोसी, इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें निकालते हैं, सेंट्रल मेजर ऑफ टेंडेंसी मीन मीडियन मोड निकालते हैं, डिस्पर्सन निकालते हैं, स्क्यूनेस और क्यूटोसिस। इसमें हम लोग क्या डिफाइन करते हैं इन्फेरेंशियल में, स्टैटिक्स एस्टिमेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग इसमें करते हैं। और डिस्क्रिप्टिव को हम लोग और क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड डिडक्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो कॉल्ड इंड्यूटिव, ठीक है। तो हम लोग डिस्क्रिप्टिव को डिडक्टिव स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं और इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स को इंड्यूटिव भी बोलते हैं। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।